Hello friends, and welcome to Study Time Anytime, the YouTube channel. And today we are going to discuss the Supreme Court's latest judgment. So आपको ये पता होगा कि ये Supreme Court की judgment की series हमारी चल रही है और इस judgment की importance आपको तभी पता चल जाएगी जब आप हमारी next slide में इस video के शुरुआत में पहुँचेंगे. ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो Supreme Court की judgments हैं ये important क्यों हैं. ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं ये यूपीएससी के प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. प्री में आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन सी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था. जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वहाँ भी प्री में ये पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है उनके रीजन्स क्या है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उनकी सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हर तरह की चीज़ पूछी जा सकती है. और इवन स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस के कारण इसको आप ध्यान से, जो भी आती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उनको आप एनालाइज़ कीजिए, और अगर आपको कोई भी और दिक्कत आती है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अब आगे देखिए, मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का टॉपिक कौन सा है. और बड़ी खबर आपको बता दें, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है. ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, हम आपको बता रहे हैं. निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसका मतलब राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट. बिल्कुल फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं. Today we are going to discuss the right to privacy is a fundamental right now. तो ये आपको केस टाइटल सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी. तो ये रहा केस टाइटल जिसमें जस्टिस के एस पुट्टास्वामी, जो एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम का केस, और ये जजमेंट निकल कर आई 24 अगस्त 2017 को. और एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिसमें टोटल 9 जजेस थे, और उन्होंने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया. अब इसमें आपने देखिए, ये आप ज़रूर देखेंगे कि बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ है जो दिखाती है कि किस तरह हमारे जो प्राइवेट डाटा है वो कैसा यूज़ किया जाता है. और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. न्यूज़ में क्यों था कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर इल्ज़ाम लगते थे कि वो हमारा डाटा चोरी करके आगे बेचते हैं, जिससे हमारे इलेक्शंस तक मैनिपुलेट हो रहे हैं. तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू प्राइवेसी है उसको बना दिया एक फंडामेंटल राइट. तो अब आपको ज़रूरी जो पढ़ना है वो है व्हाट इज़ प्राइवेसी. पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइवेसी है क्या. अब एक डेफिनेशन है, वैसे तो प्राइवेसी, आप कपड़ों की प्राइवेसी सबको पता है, सबको पता है कि मेरे प्राइवेट व्यूज़ हैं, इंडिविजुअलिटी आप इसको कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी की एक और डेफिनेशन जो है वो ये है कि यूज़र्स एबिलिटी टू कंट्रोल हाउ डाटा पर्टेनिंग टू हिम और हर कैन बी कलेक्टेड, यूज्ड एंड शेयर्ड बाय समवन एल्स. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं, आप जब उस प्रोग्राम को यूज़ कर लिए, मान लीजिए हम लेते हैं फेसबुक को, फेसबुक पे आपने एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाई. अब उस प्रोफाइल में क्या हुआ, प्रोफाइल में आपने अपना नाम, जो भी आपका नाम है, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, आपका सिटी, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, वो सब आपने अपलोड कर दिया. अब आगे उसमें क्या हुआ, बाद में आप अगर अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर देते हो या वो डाटा डिलीट करके, प्राइवेसी स्टेटस को आप डिलीट करके, रिलेशनशिप स्टेटस को डिलीट करके आप वहाँ कुछ और भी भरते हो, तो प्रीवियस डाटा जो है वो एफबी के पास रहेगा. आपका आपका अकाउंट डिलीट होने पर भी आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आप उस डाटा को डिलीट कर सको. और इवन अगर आप बाद में उन, ये जो फेसबुक है इसका प्रोफाइल आप ख़त्म करते हो, या आप इन प्रोफाइल्स को लेकर अपनी जो व्यूज़ है वो भी शेयर करते हो, कैसे आपके जो व्यूज़ है वो सब रिकॉर्ड होता जाता है, रिकॉर्ड होता जाता है, और एंड में फेसबुक पे आपके पास आपका एक पूरा स्ट्रक्चर, आपका एक पूरा कंटेंट रेडी होता है, आप क्या चाहते हो, आप क्या देखते हो, एवरीथिंग इज़ देयर विद देम. तो इस चीज़ को कंट्रोल करना, आपकी यूज़र की एबिलिटी कि मैं उस डाटा को कंट्रोल कर सकूं, कलेक्ट कर सकूं, या मैं ये किसी से का शेयर करना है या नहीं करना,
तो ये चीज़ है जो प्राइवेसी की डेफिनेशन में कंसीडर करनी चाहिए। अब ये चीज़ इसीलिए थी कंट्रोवर्सी कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्या वो भी आपका डाटा सेल कर रहा है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी प्राइवेट एजेंसी को आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए ये चीज़ हो रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी? तो ये सब चीज़ें कंसिडर की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब जो राइट टू प्राइवेसी है, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेक किया? उन्होंने चेक किया अपना प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस डेवलपमेंट, जहां पर उन्होंने कुछ केसेस में इस राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग कुछ डेवलपमेंट्स की थी। तब उन्होंने ये बताया था कि तब इसका व्यू क्या था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, और अदर रेफरेंसेस जो अदर केसेस थे जो इनके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, जैसे गोपालन डॉक्ट्रिन, कूपर मैनिका, कूपर एंड मैनिका जैसे मैनिका गांधी के केसेस, कूपर के व्यू, गोपालन डॉक्ट्रिन जो एक केस था पुराना, एक एजी गोपालन, तो ये सभी केसेस को साथ में कनेक्ट करते हुए, और इन्होंने जो साथ में इसमें मेन जो आर्टिकल रिलेट किया है वो इन्होंने किया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का। और आगे आप देखोगे कि इसमें क्रिटिसिज्म भी सुप्रीम कोर्ट ने हर व्यू को कवर किया और हर व्यू को चेक करके, उनको एनालाइज करके, उन्होंने इस राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। और इसमें उन्होंने क्या क्या कवर किया? उन्होंने थॉम्सन रिडक्शनिज्म, पॉजनर इकोनॉमिक क्रिटिक, जिसमें पॉजनर की व्यू बताया कि कैसे प्राइवेसी एक हर्डल बन सकती है किसमें, इकोनॉमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, बॉर्क की क्रिटिक, फेमिनिस्ट क्रिटिक, ये सब डिटेल में आपको आगे मिलेंगे। तो साथ में जब इनको एक्सप्लेन किया तो पहले उन्होंने अपने रिकॉर्ड को देखा, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट केस थे, वो थे एमपी शर्मा केस और खड़क सिंह केस। एमपी शर्मा केस में आप देखोगे कि कोर्ट क्या कहती है कि प्राइवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू था वो यही था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। और खड़क सिंह केस में भी आप देखोगे कि वही रूल था कि प्राइवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो प्रीवियस जो उनकी जजमेंट थी वो उनके इस जजमेंट से मैच नहीं खा रही थी। प्लस जो एक गोपालन डॉक्ट्रिन, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी कहते हैं, वो क्या है? वो कहता था फंडामेंटल राइट्स को जब हम चेक करना है तो आइसोलेटेड सिलोज में चेक करना है। अब सिलोज क्या होता है ये देखिए, ये कंटेनर है ना जिनमें ग्रेन स्टोर करते हैं, ये अलग अलग सिलोज। तो उनका ये कहना था कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये अलग अलग, इनको अलग अलग तरीके से देखना है। एक तो ये था व्यू गोपालन डॉक्ट्रिन। और आगे जो कूपर केस और मेनिका गांधी केस, उनमें क्या है? उनमें उन्होंने कहा था कि दीज ऑल फंडामेंटल राइट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो उसमें आ गया आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें पहले कूपर केस में ये आया। और लेकिन कोर्ट ने ऑब्जर्व किया मेनिका गांधी केस में, दैट डिसीजन ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 14 टू अ लॉ अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पर उन्होंने इंटरकनेक्शन देखा 14 और 21 में, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। तो ये राइट टू फ्रीडम और उसके बाद राइट टू लाइफ, इक्वालिटी होगी तो लाइफ होगी, लाइफ होगी तो ही इक्वालिटी होगी, तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होगी। अगर इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो वो लाइफ कैसी, तो वो क्या लाइफ अच्छी नहीं होगी। तो इसमें नेचुरल जस्टिस को कोर्ट ने सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें सारी उन्होंने कंसिडर की। उसके बाद आई बारी सेकंड व्यू की। जो सेकंड व्यू था उसमें मेन, पहले मैं आपको बताता हूँ थॉम्सन रिडक्शन। थॉम्सन रिडक्शन आप देखिए, मैं आपके लिए जूम कर रहा हूँ। इसमें अल्टीमेटली जो वो कहता है वो क्या है कि द राइट ऑफ प्राइवेसी, थॉम्सन का व्यू है, इज़ मियरली अ क्लस्टर ऑफ राइट। वो कहता है कि ये राइट टू प्राइवेसी एक अकेला राइट नहीं है, ये सारे राइट्स को मिक्स करके, जैसे एक गैलेक्सी क्लस्टर ऑफ स्टार्स होती है, वैसे ही ये एक क्लस्टर ऑफ राइट्स है। और वो राइट्स जो हैं वो ओवरलैप हुए हुए हैं एक दूसरे पर। और इनको फुली एक्सप्लेन करने के लिए आपको सब प्रॉपर्टी राइट्स, सारे जो पुराने सिक्योरिटी राइट्स, वो सबको देखना पड़ेगा। और ये एक डेरिवेटिव है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, देर इज़ नो नीड टू फाइंड व्हाट इज़ कॉमन इन द क्लस्टर ऑफ प्राइवेसी राइट। तो ये इन शॉर्ट ये कहना चाहते थे कि इट इज़ नॉट अ वन राइट,
ये आपके सारे राइट्स को रिड्यूस करके निकाला हुआ एक नया सिस्टम है जो लॉ लेके आ रहा है, मतलब उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सेकंड व्यू जो आप देखोगे वो है पॉसनर इकोनॉमिक क्रिटिक, जो आपको वैसे ही समझ आ रहा होगा। पॉसनर ने क्या कहा, ये कह रहे थे कि अगर आप इकोनॉमी को हार्ट करना चाहते हो तो प्राइवेसी दे दो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप वैल्यू एडिशन अगर करना चाहते हो चीज़ में, आप अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप प्राइवेसी को भूल जाओ। और यही जो प्ली है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कोर्ट में ली गई थी। कोर्ट में उन्होंने कहा था कि पीपल नीड इकोनॉमी, पीपल नीड मनी, आज हमारा देश गरीब है, हमें आधार कार्ड को लिंक करने दीजिए, हमें प्राइवेसी पर इतना प्रेशराइज ना कीजिए, क्योंकि अभी हमारा देश भूखा है, अभी हमें रोटी तो मिल नहीं रही, हम प्राइवेट डाटा ये सब बचाकर करेंगे कैसे स्टोर करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने है ये व्यू कोर्ट का नहीं माना। और आगे देखिए, आगे आता है बॉर्क क्रिटिक। अब बॉर्क कह रहा था कि भाई ये क्या लेके आगे नई चीज़, आप ये चीज़ ना तो प्री एग्जिस्टिंग राइट्स में है। मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। वो कह रहा था कि ये ना तो प्री एग्जिस्टिंग राइट्स में आई कहीं, ना ये कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन या बिल के में लिखी हुई है, ये आपने नई अपनी तरफ से ही चीज़ निकाल ली है प्राइवेसी। और ये कहीं भी आज तक ये देखिए लिखा है, बॉर्क इज करेक्ट दैट द वर्ड प्राइवेसी नेवर अपीयर्स इन दोज डॉक्यूमेंट्स, तो कहीं पर हुआ नहीं। तो उसके तीन आर्गूमेंट थे। वो कह रहा था नन ऑफ द अमेंडमेंट साइटेड कवर्ड द केस बिफोर द कोर्ट, कैसी कोई अमेंडमेंट हुई ये आप प्राइवेसी इंट्रोड्यूस कर रहे हो फंडामेंटल राइट में। सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेसी की हदें क्या है, किस चीज़ को हम प्राइवेसी समझेंगे, किस चीज़ को हम प्राइवेसी नहीं समझेंगे। तीसरा, द प्राइवेसी राइट मेयरली प्रोटेक्टेड व्हाट अ मेजॉरिटी ऑफ जस्टिस पर्सनली वांटेड टू कवर। अब उसमें देखिए प्राइवेसी में वो कह रहा है कि आप क्या चीज़ फिर सेव करोगे, आप तो मेजॉरिटी सेव करोगे ना, जो चीज़ मेजॉरिटी मानेगी कि यह प्राइवेट है। मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं मेरा बाहर निकलना एक मेरा राइट है। अब मैं बाहर कौन से कपड़े पहन के निकलूँगा, मैं निक्कर पहन के निकलूँगा, निक्कर पहनना मेरे मैं घर में पहन सकता हूँ, बाहर नहीं पहन सकता। अगर अभी नहीं समझ आया तो देखिए, बुर्का पहनना एक मुस्लिम लेडी के लिए बुर्का पहनना बाहर जाना, इज एट द राइट टू प्राइवेसी। तो ये तो उस कस्टम के ऊपर हो गया ना, एक तरह से वो कह रहे हैं कि आपने उस पर कस्टम थोप दिया कि राइट टू प्राइवेसी है, जो राइट टू प्राइवेसी उस लेडी के लिए बुर्का पहनना आवश्यक हो गया, क्योंकि लोग वो मेजॉरिटी क्या कहेगी कि भाई राइट टू प्राइवेसी में आपका ये चीज़ है, नहीं तो बाहर नहीं जाओगे तो आप प्राइवेसी हर्ट कर रहे हो। तो ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं क्लियर नहीं किया कि उसकी क्या लिमिट्स हैं, क्या उसके क्रॉस उसके रिजल्ट्स होंगे, ये कोई चीज़ अभी नहीं आई है। एक ये था। और आगे जो है फेमिनिस्ट क्रिटिक, वो फिर से वही लेडी के साथ, कि लेडीज़ के साथ ही तो सबसे ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न होती है, उनमें डोमेस्टिक स्फेयर में कैसा करना है, उनका स्टरलाइजेशन, उनके जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होता है पब्लिकली प्राइवेटली वो क्या करते हैं, दैट इज़ अ फेमिनिस्ट क्रिटिक। तो इस चीज़ में मैं आपके लिए एक और नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो फेमिनिस्ट के लिए क्या हमारे पहले भी लॉज में कुछ है, तो जी हाँ बिल्कुल है। फेमिनिस्ट के रिलेटेड प्राइवेसी के जो रूल्स हैं दैट आर मैंशनड इन इंडियन पिनल कोड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, राइट टू प्राइवेसी यहाँ पर कवर हो रही है, जो है सेक्शन 354C ऑफ IPC, ये है वॉयरिज्म, इसकी जो डेफिनेशन है आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया रेड कलर में। एनी मैन, जूम कर देता हूँ मैं, एनी मैन हु वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ अ वुमेन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट, तो यहाँ पर देखिए प्राइवेसी आपका कंसेप्ट कवर हो गया, प्राइवेट एक्ट इन एनी सर्कमस्टांसिस वेयर शी वुड अनयूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड आइदर बाय द परपेट्रेटर और बाय एनी अदर पर्सन एट द बिहेस्ट ऑफ परपेट्रेटर, जहाँ उसको ये लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, या
उसको वो प्राइवेट फील करती है, वहाँ उसको कोई आदमी देखता है, उसकी इमेज लेता है, तो वो जो जगह है वहाँ पर जो है वो चीज़ का आईपीसी में पनिशेबल है। तो यहाँ पर प्राइवेट एक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस इन विच circumstances would reasonably be expected to provide privacy and where the victim's genitals, posterior or breast or are exposed or covered only in underwear or the victim is using lavatory or victim is doing sexual act that is not of a kind ordinarily done in public. तो ये सब चीज़ें उन्होंने private act में cover की। तो देखिए इसके लिए भी आप इसकी punishment देख लीजिए, जो भी important है कि अगर फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट आइदर फॉर अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन वन ईयर, एक साल की है और ये 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, और इसमें फ़ाइन का भी प्रावधान है, एंड बी पनिश्ड इन सेकेंड, अगर दोबारा ऐसी पनिशमेंट उसको मिलती है तो ये ही इम्प्रिजनमेंट कम से कम 3 साल की हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7 साल के लिए हो सकती है। तो ये चीज़ एक तो आईपीसी में कवर्ड है। आगे इसी का ही 354D सेक्शन जो कि स्टॉकिंग है। स्टॉकिंग क्या है? एनी मैन हु फॉलोज वुमेन, तो इसमें मेन जो है इसका सेकंड पार्ट है, मॉनिटर्स द यूज़ बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, जो हमारा मेन कंसर्न था यहाँ पर, इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वहाँ पर वो मैन उसको फॉलो कर रहा है उस लेडी को। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये फेमिनिस्ट क्रिटिक में आती हैं और यहाँ पर प्राइवेसी ऑलरेडी मिली हुई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सब को कंसिडर किया और ये कंसिडर करते हुए इस प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया उन्होंने। तो ये सब चीज़ें इन्होंने चेक की और यहाँ पर आप देखोगे कि कितनी पनिशमेंट दी है, यहाँ पर नीचे देखिए, पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आइदर फॉर द डिस्क्रिप्शन विच शैल नॉट बी लेस देन वन ईयर एंड विच मे एक्सटेंड टू 5 years, तो 5 साल तक की पनिशमेंट है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आईपीसी में कवर थी। तो ऑल इन ऑल जब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 जजेस विद फुल एक्सपीरियंस, उन्होंने हर जगह की प्लीज सुनी, सबकी बातें सुनी, सारा मैटर उनके पास था, उन्होंने कंसिडर किया, तो ये फाइंडिंग निकल के उन्होंने दिखाई, ये निकल के आई कि फाइंडिंग क्या है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 का एक इंटरनल पार्ट है ये राइट टू प्राइवेसी। अब इससे रिलेटेड देखिए आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो मेंस में आ सकता है वो है क्रिटिकली एनालाइज राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। तो एक क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, इसको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और ये वीडियोस जो है आपके लिए आती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको फॉलो करते रहिए। अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको पता चले कि हमारे पास जो नया राइट निकल के आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमें प्रोवाइड किया है, जो कि पहले अंदर ही लुप्त था, अब वो बाहर आ गया है, प्रकट हो गया है, उसका हम कैसे यूज़ करें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।